हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल को पटरी पर लाने के लिए ओएसडी अमरिंदर सिंह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करते हैं। आज उन्होंने अपने पुराने निवास पर जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास हर आने वाले व्यक्ति की समस्या का समाधान करना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच भी है कि सभी को न्याय मिले। ओएसडी ने कैंप कार्यालय में शिकायतें सुनते हुए बताया कि हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक वो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ओएसडी ने मौके पर ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। ओएसडी ने लोगों की शिकायतें सुनते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिए वो अनेकों योजनाएं लागू कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आम जन के जीवन से जुड़ी काफी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। ओएसडी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आम जन की समस्या के निराकरण के लिए सीएम बिंदु जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर ओएसडी ने अन्य जिलों से आए लोगों की शिकायतें भी सुनी। इस दौरान लोगों ने ओएसडी की निष्पक्ष और समय पर कार्यवाही करने पर उनका धन्यवाद भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से विधायक हैं और इस विधानसभा की समस्याओं से अवगत रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक कोर ग्रुप इस्टेब्लिश किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 12 महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को यहाँ की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं, जो रोज़ पैदा होती हैं, रोज़ ख़त्म हो सकती हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत से यहाँ हमारे कोर ग्रुप के कार्यकर्ता बैठते हैं। बाकी और भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो इनके माध्यम से ना हल हो पाने लायक हों, कहीं किसी कारण से ऊपर तक ले जाने लायक हों, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से मंगलवार को मेरा आना रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को मैं आता हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश को हम लोग पूरा करके अपने को उत्साहित महसूस करते हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों को ग्राम सचिवालय दे करके पुरानी सरकारों ने एक झूठा नारा दिया था, सरकार आपकी सरकार आपके द्वार, एक झूठा नारा पिछली सरकारें दिया करती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नारा को झूठा नारा बताने के लिए नहीं, वास्तव में गांव गरीब किसान मजदूर मजलूमों के हितों की रक्षा हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान सरकार उनके द्वार पर होकर के कर सके, इसलिए ग्राम सचिवालय की स्थापना की। उस ग्राम सचिवालय की जो स्थापना हुई है उसके निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 लोगों की एक टोली राज्य भर में बनाई है। उस टोली के माध्यम से हम सब लोग जिले में सब जगह जा करके ग्राम सचिवालयों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अभी 2 दिन के अंदर हमने 40 ग्राम सचिवालयों का दौरा किया है, जिसमें हमारे साथ निगरानी समिति के चेयरमैन श्री अशोक सुखीजा जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिले के महामंत्री, संबंधित विधानसभाओं के विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि सब जगह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, सब सरपंच भी रहे हैं। मैं इस बात के लिए खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जिन गाँवों में ग्राम सचिवालय स्थापित हो गए हैं और वहाँ CSC लग गई है, वहाँ के लोगों में सरकार के प्रति एक उत्साहपूर्ण भाव पैदा हुआ है और लोगों में इस बात लोगों ने मेरे को याद कराया कि सर पिछली सरकारें होती थी, नेता आते थे, बैनर लगाते थे, बैनर पर लिखा होता था सरकार आपके द्वार, वो तो झूठी बात हुआ करती थी, वास्तव में सरकार आपके द्वार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की सरकार ने ग्राम सचिवालय स्थापित करके दिया है। लोगों ने इसके लिए शुभकामना और बधाई दी है। मैं अपने मन की गहराई से इस नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए, लोगों के फैसले का सम्मान करते हुए, जितना तन मन धन 24 घंटे का एक एक सेकंड समाज के लिए समर्पण करने को तैयार है हम सब। आज कितनी समस्याओं का समाधान किया आपने? समस्याएं तो कभी मैं काउंट ही नहीं करता हूं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं अधिकाधिक समस्याओं को मौके पर निस्तारण करने में सफलता प्राप्त करता हूं। सभी को संतुष्ट करके भेजते हैं? मेरा ये नैतिक दायित्व है कि मेरे पास समस्या लेकर के आने वाला आदमी, उसकी समस्या यदि समाधान होने लायक है तो तुरंत समाधान हो। किसी टेक्निकल तकनीकी पक्ष के कारण से उस समस्या को मैं नहीं हल सकता, चाहे वो कोर्ट का मामला हो या अथवा और कोई ऐसी बात हो, तो उसके बाद भी हम उस व्यक्ति को यह समझाने में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कि अमुक कारण है जिसके कारण से इस समस्या का समाधान नहीं होता, और व्यक्ति इस बात को समझ करके संतुष्ट होकर के जाता है, इसका मुझे गर्व है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री पर मामला दर्ज हुआ और उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों के पास कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं है और जब कभी ऐसे मामले आते हैं
मैं केवल हरियाणा के बारे में नहीं, जब कभी भ्रष्टाचार का मामला किसी पर दर्ज हुआ हो देश भर के अंदर किसी भी राज्य का उठा करके देखो, अथवा भारत सरकार में पिछले दिनों जो मामले हुए थे उनको उठा करके देखो, तो जब कभी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो उसका एकमात्र सीधा साधा पुराना रटा रटा बयान होता है कि ये तो राजनीति से प्रेरित बयान है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि निश्चित रूप से आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है।